तो दोस्तों फाइनली मैं यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही कमाल की वीडियो लेकर आ चुका हूँ। दोस्तों जैसा कि आप थंबनेल में देखकर आ ही चुके होंगे, यहाँ पर आज हम दो अपकमिंग स्मार्टफोन का कंपैरिजन करने वाले हैं। दोस्तों पहला यहाँ पर आपको पोको F3 GT देखने को मिलेगा और दूसरा होगा वन प्लस नोट 2। अब देखिए दोनों स्मार्टफोन की 100% कन्फर्म स्पेक यहाँ पर मुझे मालूम है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन का कंपैरिजन करने वाला हूँ और प्राइस भी दोनों स्मार्टफोन की बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इन दोनों स्मार्टफोन में आपको कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन में आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है और कुछ एडवांटेज भी देखने को मिलती है आप पोको में और कुछ एडवांटेज आपको देखने को मिलती है वन प्लस में। तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन को बाय करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है चूज़ करना कि कौन सा स्मार्टफोन इन दोनों में से बाय करें। तो यहाँ पर मैं वही डिटेल में बताऊंगा कि आप इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बाय कर सकते हैं और आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। दोस्तों अगर आप इन दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हैं एस टेक्निकल इंडिया यूट्यूब चैनल। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन को हमने साइड बाय साइड कर लिया है और यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पर जो प्राइस होगी वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसी प्राइस के आसपास ही दोनों स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। हालांकि वन प्लस का जो नोट 2 स्मार्टफोन है उसकी प्राइस थोड़ी सी हाई होने वाली है कम्पेयर टू पोको F3 GT, लेकिन उसमें भी पोको F3 GT में आपको ट्रिगर देखने को मिलते हैं, तो इस वजह से हो सकता है कि पोको वाले स्मार्टफोन को थोड़े हाई बजट में लॉन्च कर दें। लेकिन पोको वाले कम से कम बजट रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं पोको सबसे कम समय में इतनी ऊपर तक पहुंचने वाला ब्रांड है, तो इसलिए वो काफ़ी कम प्राइस रखने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों स्मार्टफोन का डिटेल कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पर हम दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले से स्टार्टिंग करेंगे। और देखिए दोस्तों यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में आपको सेम डिस्प्ले देखने को मिलता है, बस यहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट का फर्क देखने को मिल जाता है। पहले यहाँ पर वन प्लस नोट 2 स्मार्टफोन की डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.43 इंचेस का एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा देगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पहले ही एक बात आपसे बता दूँ, दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन में आपको कर्व डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगी, दोनों में ही आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में आपको कॉर्निंग ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। जब बात करें वन प्लस नोट स्मार्टफोन के रिफ्रेश रेट की तो यहाँ पर आपको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पर पोको F3 GT में आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। अब देखिए डिस्प्ले के मामले में अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको क्लियर विनर देखने को मिलेगा पोको F3 GT, क्योंकि यहाँ पर आपको डिस्प्ले साइज भी थोड़ा सा बेहतर देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन तो दोनों स्मार्टफोन में सेम देखने को मिलता है, लेकिन जो रिफ्रेश रेट है ना वो पोको F3 GT में आपको ज़्यादा हाई देखने को मिलता है, करीब यहाँ पर 30Hz का ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर आप चूज़ कीजिएगा कि जो आपको अगर डिस्प्ले बेहतर चाहिए किसी स्मार्टफोन की तो आप यहाँ पर वन प्लस का नोट 2 को छोड़कर पोको F3 GT की तरफ जा सकते हैं। डिज़ाइन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो डिज़ाइन में भी आपको दोनों स्मार्टफोन सेम टू सेम देखने को मिलेंगे, बस दोनों स्मार्टफोन में आपको पीछे की तरफ भी कॉर्निंग ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। आप डिज़ाइन यहाँ पर वन प्लस जो है ना उसका जो ग्रीन कलर है वो ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिल जाता है, हालांकि यहाँ पर पोको F3 GT का जो येलो कलर है वो भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लगता है। तो आप अपने हिसाब से चूज़ कीजिएगा जब स्मार्टफोन बाय कर रहे हो कि कौन सा कलर आपको कौन से स्मार्टफोन का बाय करना चाहिए। पीछे की तरफ दोस्तों साथ ही दोनों स्मार्टफोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा। दोनों स्मार्टफोन के कैमरे की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जहाँ पर आपको दोनों स्मार्टफोन में सिमिलर सी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, 19:20 का यहाँ पर आपको फर्क देखने को मिल सकता है, इससे ज़्यादा आपको कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा पीछे की तरफ, क्योंकि यहाँ पर वन प्लस नोट 2 स्मार्टफोन में आपको 50MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा, 8MP अल्ट्रावाइड साथ ही 2MP मैक्रो, जबकि पोको F3 GT स्मार्टफोन में आपको 64MP प्राइमरी देखने को मिलेगा, 8MP का अल्ट्रावाइड कैमरा और 2MP मैक्रो। तो यानी कि आप प्राइमरी कैमरा में फर्क पकड़ के चल सकते हैं, एक तरफ 50MP है और एक तरफ 64, लेकिन यहाँ पर उसके बावजूद भी आपको जो वन प्लस नोट 2 का कैमरा ज़्यादा बेहतर देखने को मिलने वाला है। सेल्फी कैमरा की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में फ्रंट में आपको सिंगल सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जो कि पंच होल होने वाला है। यहाँ पर वन प्लस नोट 2 स्मार्टफोन में आपको 32 यानी कि 32MP का देखने को मिलेगा और पोको F3 GT में आपको सिर्फ 16MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप डिफरेंस पकड़ के चलिए, सेल्फी कैमरा आपको वन प्लस नोट 2 का देखने को बेहतर मिलता है। यहाँ पर अगर आप सेल्फी लवर हैं तो यहाँ पर आप पोको को छोड़कर वन प्लस नोट 2 की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों वहीं पे दोनों स्मार्टफोन की बैटरी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बैटरी में आपको पोको F3 GT काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा देगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 5065mAh की बैटरी देखने को मिलती है, नॉट रिमूवेबल यानी कि आप चेंज नहीं कर सकते, सर्विस सेंटर पे ही आपको चेंज करानी होगी बैटरी। दोनों स्मार्टफोन में दोस्तों आपको काफ़ी तगड़ी फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है, USB टाइप से दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है, जबकि वन प्लस नोट 2 स्मार्टफोन में आपको सिर्फ और सिर्फ 4500mAh की बैटरी दी गई है, लेकिन दोनों स्मार्टफोन में आपको 65W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि आपके स्मार्टफोन 0-100% करीब 25 एंड 30 मिनट में चार्ज कर देगी, लेकिन यहाँ पर आपको 3%
3 वाट एक्स्ट्रा देखने को मिलती है, जिससे कि ज़्यादा कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, सॉरी 2%। तो अगर बात करें दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो यहाँ पर प्रोसेसर में आपको दोनों ही स्मार्टफोन सिमिलर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि मीडिया टेक की तरफ से आता है, मीडिया टेक का डायमेंसिटी 1200। क्या उसको दोनों में आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है 64 बिट पर, दोनों स्मार्टफोन में प्रोसेसर आपको 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर भेजा है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो OnePlus Nord 2 है वहाँ पर आपको 8GB रैम और 12GB रैम में देखने को मिलेगा, जबकि पोको F3 GT यहाँ पर आपको 6GB रैम, 8GB रैम और 12GB रैम तीन वेरियंट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक एडवांटेज हो सकता है आपके पास कि कम प्राइस में आपको 6GB रैम का वेरियंट देखने को मिल जाएगा। लेकिन उससे कमाल की बात दोस्तों, यहाँ पर पोको F3 GT में ये होगी कि अगर आप गेमिंग के लिए स्मार्टफोन बाय कर रहे हैं तो यहाँ पर आप पोको F3 की तरफ ही जाएँ, क्योंकि वहाँ पर आपको गेमिंग ट्रिगर का सपोर्ट देखने को मिलता है, और दूसरी बात वहाँ पर आपको हाईएस्ट रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर गेमिंग में सबसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आपको पोको F3 GT में देखने को मिलेगी। और अगर बात हम बाकी सभी चीज़ों की करें तो वहाँ पर भी आपको पोको F3 GT ही विनर देखने को मिला, चाहे वो डिस्प्ले हो, चाहे वो बैटरी हो, प्रोसेसर हो, या फिर परफॉर्मेंस डिज़ाइन, आप कुछ भी कह लीजिए, यहाँ पर हर तरफ से आपको पोको F3 GT देखने को मिल जाता है बेहतर। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी कमी जो आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आप हो सकता है कि स्मार्टफोन को बाय ना करें, वो है दोस्तों दोनों स्मार्टफोन का USB Type-C पोर्ट। अब देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, हालांकि दोनों स्मार्टफोन आपको सी पोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको जो पोको F3 में देखने को मिलता है वो 2.0 देखने को मिलता है, जो कि डिस्प्ले आउटपुट को सपोर्ट नहीं करता। यानी कि आप अगर गेमिंग है, आपका चैनल है यूट्यूब पर, आप गेमिंग करना चाहते हो और सस्ता एक स्मार्टफोन देखना चाहते हो, तो यहाँ पर आप उससे गेमिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप OnePlus की तरफ जाते हो तो यहाँ पर आपको USB 3.1 देखने को मिलेगा, जो कि डिस्प्ले आउटपुट को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर आप सोच समझ के स्मार्टफोन चूज़ कीजिएगा, या तो आप 3.1 USB ले लीजिए या फिर 2.1 ले लीजिए। यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन का डिफरेंस मैंने आपसे बता दिया। अभी की प्राइस की बात करें तो पोको F3 GT स्मार्टफोन जो है ना वो 6GB रैम के साथ करीब 25,000 रुपये में आने वाला है, और यहाँ पर OnePlus Nord 2 आपको 8GB रैम के साथ करीब 30,000 रुपये में आने वाला है। तो यहाँ पर आपको प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सोच समझ के आप फ़ोन को चूज़ कीजिएगा। अगर आप मेरी माने और मेरा यूट्यूब पर चैनल ना हो तो मैं सीधा सीधा पोको F3 की तरफ जाऊँगा, अगर मुझे यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग ना करनी हो। अगर मुझे लाइव स्ट्रीमिंग करनी है तो मैं यहाँ पर OnePlus की तरफ जाऊँगा, चाहे प्राइस कितनी भी कम हो, क्योंकि मैं 2 से 3 हज़ार रुपये या 5 हज़ार रुपये के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा तकड़ी परफॉर्मेंस नहीं खोना चाहता, जो कि USB 3.0 से हमें मिल जाएगी। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए हो कि आप दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए। अगर आपका चैनल नहीं है तो आप डेफिनेटली पोको F3 के साथ में जाना, OnePlus Nord 2 को छोड़ देना, ये मैं आपसे कह देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले में साइज़ बड़ा देखने को मिल जाता है, कैमरे में आपको ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिला, सिर्फ सेल्फी कैमरा अच्छा है, तो इसी के लिए आप ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर सकते। बैटरी आपको ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती है, स्टोरेज आपको दोनों स्मार्टफोन में सेम देखने को मिल जाती है, प्रोसेसर दोनों स्मार्टफोन में आपको सेम देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर कमी की बात करें तो डिस्प्ले में हार जाता है OnePlus Nord 2 पोको से, यहाँ पर कैमरे में भी हार जाता है, बैटरी में भी हार जाता है, परफॉर्मेंस दोनों स्मार्टफोन में आपको सेम देखने को मिली, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं कहेंगे। रैम वेरियंट यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं पोको में, यहाँ पर आपको 3 रैम वेरियंट देखने को मिलते हैं, जबकि OnePlus में आपको सिर्फ 2 रैम वेरियंट देखने को मिलते हैं। तो आप पकड़ के चलिएगा 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट से आपको ये आगे देखने को मिलेगा, जबकि इसके पास सिर्फ 1 पॉइंट है। तो यहाँ पर आप पकड़ के चलिएगा आप कौन सा स्मार्टफोन बाय करिएगा। मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा, अगर आपका चैनल नहीं है, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करना चाहते, तो आप पोको F3 GT के साथ में जा सकते हैं। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इन दोनों में से आपको कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियो में आपको चैनल लाता रहता हूँ। तो दोस्तों बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।